नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो चलिए गाइज, हम आगे का एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले कि अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे टेस्ट लगा सकते हो। तो चलिए बिना देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में किस शासक को काशी दहेज के रूप में प्राप्त हुआ? उदयन, बिंदुसार, बिंबिसार या कालाशोक? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार को जो है वो काशी दहेज में दिया गया था महाजनपद काल में, और एक हरिवंश का संस्थापक है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के 12 अवतार का सर्वाधिक प्रचलन किस काल में आरंभ हुआ? गुप्त काल, मौर्य काल, हड़प्पा काल, महाजनपद काल? तो इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल में देखा जाए तो आपको मध्य प्रदेश में उदयगिरि की गुफाएं मिलेंगी, जहाँ पर जो है वो 12 प्रतिमा जो है वो बनाई गई हैं। तो उस समय जो है वो विष्णु की 12 अवतार का वहाँ पे देखा गया है। तो ये गुप्त काल से संबंधित है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि उदयगिरि की गुफाएं जो है वो किस काल से संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख कर व्यवस्था का उल्लेख करता है? रुम्मेदाई का अभिलेख, कालसी का अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख या रूपनाथ अभिलेख? तो इसका आंसर हो जाएगा रुम्मेदाई का अभिलेख जो है वो बात की जाए तो अशोककालीन अभिलेख कर व्यवस्था का उल्लेख करता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमें यहाँ पर गलत मिलान का चयन करना है कि इसमें से कौन सा गलत मिलान है? तो कानून ए हुमायूनी खुदामीरी, ये बिल्कुल सही है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी, बिल्कुल सही है। अकबर नामा जो है वो फैजी सरहिंद ने लिखी, ये भी सही है। और मुन्नत खाब उल तबरीक ख्वाजा कामगार, तो ये ख्वाजा कामगार के द्वारा नहीं लिखी गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। दरअसल जो है वो ये बदायूनी के द्वारा लिखी गई थी, बदायूनी के द्वारा जो है वो लिखी गई थी ख्वाजा कामगार, सॉरी मुंतखाम उल तबरीक। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड के विरोध के समय वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था, तो किसने दिया था? ऑप्शन ए है सीपी रामास्वामी अय्यर, बी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, सी ऑप्शन है बी एन शर्मा, डी ऑप्शन है शंकर नायर। तो इसका आंसर हो जाएगा शंकर नायर। 13 अप्रैल 1999 को जो है वो बैसाखी दिन बनाते हैं, और अमृतसर में जो है वो जलियांवाला बाग के जो है वो हत्याकांड हुआ था रॉयल एक्ट के विरोध में। ओके, रॉयल एक्ट के विरोध में जो है वो यह बात की जाए, वहां पर जो है वो लोग इकट्ठे हुए थे अमृतसर के जलियांवाले बाग में, और वहां पर धुआंधार जो है वो गोली चला दी गई थी, याद रखना, जनरल डायर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर सिकंदर शाह लोधी ने किस वर्ष इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली में स्थापित सल्तनत की राजधानी को स्थानांतरित करके आगरा में स्थापित किया? तो दिल्ली, पहले इल्तुतमिश के टाइम पर दिल्ली जो है वो राजधानी हुआ करती थी, सिकंदर शाह ने जो है वो इसके बाद आगरा को स्थापित किया। तो ऑप्शन है 1504, 1506, 1508 या 1510? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1506 में। दरअसल जो है वो 1504 में एक नया शहर बसाया था जिसे आगरा के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर जो है वो 1506 में सल्तनत ने राजधानी घोषित की थी। तो 1504 में दरअसल बसाया था, लेकिन राजधानी जो है वो 1506 में बनाई गई थी सिकंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गोल गुंबद के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आसिफगढ़, मैसूर, बीजापुर या हैदराबाद? तो गोल गुंबद के नाम से आप सभी को पता होगा ये कहाँ पर है, बीजापुर में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, जो कि यूसुफ आदिल शाह के द्वारा जो है वो बनाया गया था, कर्नाटक में स्थित है, बीजापुर में, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र बनर्जी या राज बिहारी बोस ने? तो 1906 में बात की जा रही है यहाँ पर, 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उस समय जो है वो दादा भाई नौरोजी ने जो है वो इसकी अध्यक्षता की थी। और उस समय जो है वो इस अधिवेशन के बाद जो है वो नरम दल गरम दल में काफ़ी मतभेद के कारण गरम दल बाल गंगाधर तिलक की अध्यक्षता में बनना चाहते थे, उसी तरीके से बात की जाए तो आपको याद रखना है कि 1906 में कलकत्ता अधिवेशन जो है वो दादा भाई नौरोजी ने इसका नेतृत्व किया था, अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए है यहाँ पर अवनींद्रनाथ टैगोर,
रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ गांगुली या पीसी रे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, पीसी रे द्वारा स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है वो बात की जाए तो केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या लाहौर। तो इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली में, और बात की जाए तो जो इसकी जो स्थापना जो है वो किसके बनाई गई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दरअसल जो है वो 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक कराई गई थी, और उस समय जो है वो भगत सिंह जो है वो इनके द्वारा जो है इसको बनाया गया था। ओके, तो याद रखना है कहाँ पर, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक समाजवाद क्यों के द्वारा किसके द्वारा लिखी गई है, ये पूछा गया है, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर, जयप्रकाश नारायण या भगत सिंह। तो समाजवाद क्यों दरअसल जो है ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखी गई है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा किले पत्थरों पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, आसिरगढ़, ओरछा, मंडला या ग्वालियर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अजयगढ़ का किला। ओके, अजयगढ़ का किला जो है वो अजयपाल ने बनवाया था, और ये कहाँ पर है, पन्ना में है दरअसल। तो ये जो है वो पत्थरों पर नक्काशी का एक प्रसिद्ध किला है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है, गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है, उदयगिरी, सूफिया, तुमेन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सूफिया। सूफिया अभिलेख दरअसल जो है वो रीवा जिले के सूफिया नामक स्थान पर जो है वो मिले हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, और उसी अभिलेख में जो है वो गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, राम के भाई शत्रुघ्न की पुत्री शत्रुघाती ने विदिशा पर शासन किया, उनकी राजधानी क्या थी, दसपुर, वेशनगर, कुशावती या अवंतिका। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुशावती, सी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। राम की भाई शत्रुघ्न की पुत्र थे शत्रुघाती, उन्होंने जो है वो विदिशा पर शासन किया था, और उनकी जो राजधानी थी वो कुशावती थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खजुराहो मंदिर से संबंधित नहीं है, तेली का मंदिर। तो पहला ही यहाँ पर आंसर जो है वो सही हो जाएगा, तेली का मंदिर दरअसल जो है ये कहाँ पर है, ग्वालियर के किले में है, याद रखना है। 64 योगिनी, कदरिया महादेव या पार्श्वनाथ मंदिर, ये सभी जो है वो खजुराहो से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्व मालवा क्षेत्र की कुंवारी लड़कियों वाला उत्सव है, सांझ एवं मुमालिया, दशहरा, मड़ई या मेघनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सांझ एवं मामूलिया, यह जो है वो अविवाहित युवतियों द्वारा उत्सव बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है, गोंड, सहरिया, कोरकू या भील। तो लहंगी नृत्य दरअसल जो है वो सहरिया जनजाति द्वारा जो है किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, सहरिया जनजाति जो है नॉर्थ वाला क्षेत्र है दरअसल, जो भिंड, मुरैना, शिवपुरी, ग्वालियर जो वाला क्षेत्र है वहाँ पर जो है वो निवास करती है, याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बघेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य क्या है, माचा, काठी, छाहुर और गम्मत। तो बघेलखंड का पूछा गया है, देखिए काठी तो आपको पता हो निमाड़ का होता है, ओके, और बात की जाए तो माचा जो है इसका आंसर हो जाएगा बघेलखंड जो है वो सॉरी माचा नहीं, माचा तो मालवा का है दरअसल जो है वो, छाहुर जो है वो बघेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य हो जाएगा, याद रखना है। कम वहीं अगर बात की जाए तो गम्मत जो है वो ये कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है, तो सभी को याद रखना है छाहोर जो है वो बघेलखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है, जो कि अहीर, तेली, कुम्हार जाति के लोग जो है वो आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, विदिशिया गायन कहाँ प्रचलित है, मालवा, निमाड़, बघेलखंड या बुंदेलखंड। तो विदिशिया जो है गायन दरअसल जो है वो बघेलखंड के अंचल में है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, रानी नागफनी की कहानी किसकी प्रसिद्ध रचना है, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, सुभद्रा कुमारी चौहान या बात की जाए भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हरिशंकर परसाई, दरअसल जो है वो हरिशंकर परसाई द्वारा जो है वो रानी नागफनी की कहानी जो है वो इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जिला निमाड़ी बोली का क्षेत्र नहीं है,
निमाड़ी बोली जो है वो ऑप्शन है, देखिए खंडवा हो गया, झाबुआ, विदिशा या धार। तो आप सभी को पता होगा इसका आंसर, दरअसल जो है वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विदिशा। विदिशा में निमाड़ी भाषा नहीं बोली जाती है, दरअसल निमाड़ी भाषा जो है वो हमारे बात की जाए तो जो खंडवा हो गया, खरगोन, बड़वानी, धार जिला है वहाँ पर जो है वो बोली जाती है। विदिशा में दरअसल जो है वो बुंदेली बोली जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि जनपद पंचायत में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या न्यूनतम या अधिकतम होती है। तो जनपद पंचायतों में, तो जनपद पंचायतों में जो है वो 10-15 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 10 जो है वो न्यूनतम, सॉरी 10-25 जो है वो हो जाएगा, 10 जो है न्यूनतम होती है और 25 जो है वो अधिकतम होती है, याद रखना है विकासखंड। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के सचिवालय के नाम से जाना जाता है भारत भवन, सांची भवन, इंदिरा गांधी भवन या वल्लभ भवन। तो सचिवालय जो है वो वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में स्वागतम लक्ष्मी योजना का शुभारंभ कब किया गया था, 2013, 2014, 2015 या 2016। तो ये 2014 में जो है वो शुरू किया गया था, जो ये लड़कियों से संबंधित है दरअसल, याद रखना है। जो कन्या जन्म से जो है वो बात की जाए, कन्याओं को विकसित करने के लिए दरअसल जो है ये योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, 1965, 1968, 1960 या 1962। तो मध्य प्रदेश सड़क परिवहन की 1962 में हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एशिया का प्रथम और विश्व का तीसरा डेजर अनुसंधान कहाँ है, इंदौर, ग्वालियर, गुना या मुरैना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, दरअसल जो है वो इंदौर में है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुल उत्पादन की दृष्टि से कौन सा जिला गेहूँ उत्पादन में प्रथम है, होशंगाबाद, हरदा, सीहोर या भोपाल। तो सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर ऑप्शन में देखा जाए तो होशंगाबाद जो है वो जिला गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, कोलार परियोजना जो है वो किस जिले में है, देवास, भोपाल, सीहोर या रायसोर, रायसेन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सीहोर में जो है वो कोलार परियोजना है, कोलार नदी पर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है, जिसमें देखिए यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों ही हैं दरअसल, तो उनका प्रतिशत पूछा गया है कि कितना है। तो उनका प्रतिशत जो है वो ऑप्शन देखिए, 36.7%, 35.7%, 34.5% या 32.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 36.7%। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर किस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश का एक प्रमुख हिल स्टेशन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर हो जाएगा, हित आपको पता हो तो सतपुड़ा है, जहाँ पर पचमढ़ी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, 1980 में मध्य प्रदेश में दूसरा वन महाविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ, बालाघाट, बैतूल, गोविंदपुर, शिवपुरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैतूल में जो है ये खोला गया है 1980 में दूसरा वन महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सबसे पहले बॉक्साइट कहाँ से उत्खनन किया गया, बालाघाट, कटनी, इटारसी या छिंदवाड़ा। तो ये किया गया कटनी से बॉक्साइट, याद रखना है बॉक्साइट हो गया जो कि एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है, ये सबसे पहले कटनी में जो है वो पाया गया। बाकी जो है वो सैड और कटनी, अमरकंटक, जबलपुर यहाँ पर भी जो है वो पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर कहाँ है, मुरैना, अशोकनगर, दतिया या सागर। तो त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर दरअसल जो है इसका आंसर हो जाएगा अशोकनगर में है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गांधी राग का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, राजा भैया पूछ वाले, कुमार गंधर्व, अमजद अली खां या हफीज अली खां। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुमार गंधर्व के द्वारा गांधी राग जो है वो इसका आविष्कार हुआ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना जावरा यानी रतलाम में किस वर्ष हुई थी। तो पहली, सबसे पहले तो आपको याद रखना है प्रथम चीनी मिल कहाँ पर हुई थी, जावरा में हुई थी, रतलाम में। और इसका आंसर हो जाएगा 1934 में, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर लारू काज किस जनजाति का प्रमुख पर्व है, लारू काज, भील, गौंड, बैगा, सहरिया। इसका आंसर हो जाएगा गौंड जनजाति का जो है वो लारू काज जो है वो पर्व है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जल मार्ग किस नाम से जाना जाता है, कोको जल मार्ग, 10 डिग्री जल मार्ग, डेकन जल मार्ग या सोमबोरा नेशनल
जल मार्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री से जो है वो अलग होता है, कौन सा, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप। अगला क्वेश्चन है कि मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है, अराकान पहाड़ी, पटकाई पहाड़ी, बैरल पहाड़ी या मणिपुर की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैरल, बैरल पहाड़ी श्रृंखला, जो कि मणिपुर और नागालैंड को जो है वो एक दूसरे से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न कथनों पर हमें विचार करना है और इसमें से बताना है कि कौन सा सही है। धारवाड़ शैल मध्य प्रदेश, सॉरी धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें सबसे पहले बनी हुई अवसादी शैल हैं। यह समूह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फैला हुआ है। तो धारवाड़ आपको पता हो, तो धारवाड़ की अगर देखा जाए तो इसमें केवल एक सही है, जो धारवाड़ शैल है चट्टानें सबसे पहले बनी हुई अवसादी शैल हैं। अवसादी शैलों में बात की जाए, जो पेट्रोल है, ये सब तेल है जो कहाँ पे पाया जाता है, डीजल हुआ, तो ये अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है, तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा। और बात की जाए तो इसमें से पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। धारवाड़ की चट्टानें जो है वो मेघालय हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ पर जो है वो फैली हुई हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संदर्भ और हमें यहाँ पर विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट दक्षिण अंडमान में है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है, बैरन द्वीप जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि लक्षद्वीप में है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी केवल एक सही है। दरअसल जो है वो दक्षिण भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान नहीं है। दरअसल पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर है, और दरअसल जो है बाकी अगर देखा जाए यहाँ पर तो जो बैरन द्वीप है, बैरन द्वीप जो है मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है, ना कि लक्षद्वीप में। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, अंडमान में यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा या मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुर, मणिपुर से जो है होकर नहीं गुजरती है। बात की जाए तो 23.5 डिग्री पर जो है वो भूमध्य रेखा से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है, और ये मध्य प्रदेश, बात की जाए तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्य जो है वो गुजरात, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, डल झील, थोल झील, पुष्कर झील या बुलर झील। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलर झील, जो कि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झील कश्मीर में नहीं है, डल झील, लोनार झील, बुलर झील या गडसर झील। तो लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, दरअसल इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर बांग्लादेश की थली सीमा किसके साथ है, भारत के साथ, भारत और म्यांमार, भारत और भूटान, भारत और चीन। तो बांग्लादेश की जो थली सीमा है दरअसल जो है वो भारत और म्यांमार के साथ जुड़ी है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, ओके, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। तो देखिए मिजोरम से होकर गुजरती है, त्रिपुरा से होकर गुजरती है, लेकिन हमें यहाँ पर उत्तर में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उसका आंसर हो जाएगा हमारा मणिपुर। मणिपुर दरअसल जो है वो ये कर्क रेखा के उत्तर में है, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती हैं, तो भूटान, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो देखिए आपको पता हो तो इधर जो है वो नेपाल पड़ता है, इधर जो है वो भूटान पड़ता है, बीच में जो है वो सिक्किम पड़ता है, ओके, और यहाँ पर जो है वो पश्चिम बंगाल भी नीचे लगता है। तो देखा जाए तो जो मेघालय वाला क्षेत्र है, मेघालय क्योंकि नीचे पड़ता है और जो है वो आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये ऊपर रहते हैं, तो मेघालय जो है वो टच नहीं करता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मेघालय, मेघालय जो है वो यह टच नहीं करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है, किससे,
बांग्लादेश से, आसाम, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नागालैंड जो है वो बांग्लादेश के साथ सीमा जो है वो नहीं बनाता है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, विंध्य, अरावली, शिवालिक या अन्नामुड़ाई। तो आपको पता हो तो जो जो हिमालय वाला क्षेत्र है दरअसल जो है वो नवीन बलित पर्वत है, और जो शिवालिक रेंज है दरअसल जो है वो उसी की एक पर्वत जो बाहरी क्षेत्र है वो है। तो जैसे कि ट्रांस हो गया, बृहद हो गया, इसी से कैसे शिवालिक है, तो ये सभी जो है हिमालय की रेंज श्रृंखला है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, अरावली जो है वो सबसे पुरानी श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, उटकमंडंग, अन्नामुड़ाई, दोदो बेटा या महाबलेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अन्नामुड़ाई, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थान पर स्थित है, अन्नामुड़ाई पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, नंदी पहाड़ी या नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, दरअसल जो है वो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सभी से मिलने का स्थल है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वतमाला किस जिस राज्य में स्थित है, वह है नीलगिरी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा या उत्तराखंड। तो आसान है, ऑप्शन भी आसान से दिए हुए हैं, दरअसल जो है वो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ ऊपर आपने देखा था यहाँ पर ही कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में जो है वो ये मिलन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था में लिखने व पढ़ने हेतु चश्मा लगाना पड़ता है क्योंकि नेत्र लेंस कमजोर हो जाते हैं, नेत्र की संयोजन क्षमता में कमी आ जाती है, नेत्र गोलक यानी आई बॉल कुछ छोटे हो जाते हैं, नेत्र लेंसों का आवर्धन क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेत्र लेंस संयोजन क्षमता में कमी आ जाती है, यानी बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर, आकाश की नीलिमा का कारण क्या है, ऑप्शन ए दिया हुआ है उसका वास्तविक नीला वर्ण ही है, ऑप्शन बी है पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा अन्य वर्णों की अपेक्षा नीला वर्ण अधिक प्रकीर्ण होता है, ऑप्शन सी है सभी वर्णों की वितरण में उत्पन्न नीला वर्ण है और श्वेत प्रकाश में नीला घटक अधिक प्रबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन कि जो पृथ्वी का वायुमंडली द्वारा अन्य वर्णों की यानी अन्य कलरों की अपेक्षा नीला वर्ण जो है वो नीला रंग जो है वो अधिक प्रकीर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष में स्थित अंतरिक्ष यात्री दिन के समय तारे नहीं देख पाता, तारों को बिल्कुल भी नहीं देख सकता, दिन के समय सूर्य की विपरीत दिशा में तारों को देख पाता है या सभी दिशाओं में उसे तारे दिखाई देते हैं दिन के समय में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, सभी दिशाओं में दिन के समय तारे देख पाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन में पदार्थ का अभिगमन यानी ट्रांसपोर्ट होता है, ऊर्जा का अभिगमन होता है, द्रव्यमान का अभिगमन होता है या किसी का भी अभिगमन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का अभिगमन होता है यानी ऊर्जा का क्षय होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दरअसल क्षय नहीं, ऊर्जा का जो है वो बढ़ भी जाती है कम भी हो जाती है, तो अभिगमन होता है एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस समिति का संबंध भारत में गरीबी रेखा निर्धारण से संबंधित है, सुरेश तेंदुलकर, डीटी लकड़वाला, बीएस मनीहास या विजय तेंदुलकर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा विजय तेंदुलकर जो कि गरीबी रेखा के संबंध से योजना आयोग में जो है वो समिति संबंधित है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, तारपीन का तेल, नीम, साइकस, देवदार, चीड़। तो तारपीन का तेल जो है वो ये चीड़ के नाम से जो है वो पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, औद्योगिक नीति 1991 की विशेषता क्या है, लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करना, MRTP के स्थान पर CCI लागू करना, फेरा के स्थान पर फेमा लागू करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 में भारत का स्थान पूछा गया है, 75, 69, 63 या 51। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इजी ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 की रिपोर्ट में जो है वो 63वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बैंकों द्वारा अपनी संपत्तियों को गैर निष्पादनीय घोषित करने हेतु क्षमा अवधि 365 दिन तक, भुगतान ना होना,
देय तिथि से 180 दिनों तक भुगतान ना होना, देय तिथि से 90 दिनों तक भुगतान ना होना, या देय तिथि से 45 दिनों तक भुगतान ना होना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 90 दिनों तक जो है वो भुगतान ना होना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा प्रपत्र काला धन बढ़ता है? ADR, GDR, IDR या पी नोट्स? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पी नोट्स। पी नोट्स यानी पार्टिसिपेटरी नोट्स जो है, ये फुल फॉर्म है इसका, इसी से जो है वो काला धन बढ़ता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुद्रा स्फीति को मापन सूचकांक है थोक मूल्य सूचकांक, खुदरा मूल्य सूचकांक, सेंसेक या निफ्टी? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थोक मूल्य सूचकांक, ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अतिकायता किसके कारण होती है? STH की अधिकता से, ADH की अधिकता से, ACTH की अधिकता से, LTH की अधिकता से? तो अतिकायता जो है वो ये है, बात की जाए तो STC की अधिकता से होती है, जो पीयूष ग्रंथि में निकलने वाले STC हार्मोन होता है जिसकी वृद्धि के कारण होती है, शरीर में वृद्धि को नियंत्रण करता है, ये याद रखना है STH, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज का वर्तमान स्वरूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1950, 22 जुलाई 1948, 22 जुलाई 1952? तो ये 22 जुलाई 1947 को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज जो है वो अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है? कैलिस्टोटिन, नीन एल्ड्रिनिन, नॉर एल्ड्रिनेलिन या इंसुलिन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 65 का बी, एंड्रिनिन जो है वो ये है लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है इसको, एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं इसको, याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा हार्मोन पादपों को घाव भरता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, ट्राउमेंट्रेन्स या एथिलीन? तो घाव भरने के लिए जो है वो ट्राउमेंट्रेन पादप में जो है वो घाव को भरता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बनता किस तत्व की है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एसीटेटिन? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरीन की जो है वो इलेक्ट्रॉन बनता सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 5, 8, 8.4 या 9? तो समुद्री जल की बात की जाए तो ये इसका 8.4 जो है वो पीएच मान होता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, जो कि एक क्षारीय है। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्न युग्मों से हमें सही सम्मिलित नहीं है ये देखना है, तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11 में क्या क्या कहा गया है। देखिए, अनुच्छेद 5 में जो है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाली कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, और अनुच्छेद 9 में भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, और 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। तो इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, दरअसल जो है वो यह गलत है। ओके, तो जो अनुच्छेद है दरअसल जो है वो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक ना होना, ये है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, ये पूछा गया है। इसमें हमें कुछ समिति दी हुई है, जैसे कि पहली है यहाँ पर प्रक्रिया विस्मय नियमों संबंधी समिति, और राज्य संबंधी समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति या प्रत्यक्ष पत्र समिति। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमें सम्मिलित नहीं है। तो प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति राजेंद्र प्रसाद, ये बिल्कुल सही है। राज्य संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल सही है। वित्त एवं स्टाफ समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये गलत हो जाएगी दरअसल जो है वो, इसके अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी प्रत्यक्ष पत्र समिति है जो है अलादी कृष्ण अय्यर, ये सही है, कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें से कौन सा सही है? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, और 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया, और 26 जनवरी 1949 को भारत का संविधान लागू किया गया?
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, ना तो एक ना तो दो, दोनों ही जो है वो गलत हैं। दरअसल जो है वो 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान अंगीकृत नहीं किया गया था, बल्कि संविधान जो है वो लागू जो है वो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, और 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, और 26 नवंबर 1950 को संविधान अंगीकृत किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ना तो एक ना तो दो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के अंतर्गत शामिल की गई थी? 42वें संविधान, 52वें संविधान, 44वें संविधान और प्रथम संविधान संशोधन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 52वें संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था, और इसमें जो है वो दल बदल की बात की गई है, दल बदल कानून की बात की गई है। तो 42वां संविधान संशोधन हो गया, सॉरी 52वां संविधान संशोधन हो गया। 42वें संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है हमें। देखिए, पहला दिया हुआ है, इस अधिनियम में सभी धर्मों के अप्रवासी लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, अधिनियम में प्रावधानों है कि केंद्र सरकार कुछ आधारों पर एनआरआई के पंजीकरण को रद्द कर सकती है। तो इसका आंसर दरअसल जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ना तो एक ना ही दो। दरअसल जो है वो दोनों ही गलत हैं। संशोधन के अनुसार 21 दिसंबर जो है वो 2014 को या उससे पहले जो अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी, ईसाई जो है वो अवैध प्रशासन नहीं माना जाएगा। अधिनियम में यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार जो है वो कुल आधारों पर ओसीआई का पंजीकरण रद्द कर सकती है। तो ये दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अनुच्छेद 3 के अनुसार संवाद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, यानी डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर हाल ही में सुर्खियों में रही साउथ एशिया इकोनॉमिकल फोकस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक या विश्व स्वास्थ्य संगठन? तो साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सीमा सड़क संगठन या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? ईटानगर, नई दिल्ली, श्रीनगर या रोहतांग? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर द रोड रनर किसकी कृति है? डॉक्टर मार्टिन कपूर, पॉल एलिन, बिल गेट्स या रॉबर्ट नियो नोई? इसका आंसर हो जाएगा हमारा बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है, यहाँ पर साहित्य अकेडमी की कब हुई थी? 51, 52, 53 या 54? तो इसकी स्थापना हुई थी 54 में, याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, साहित्य अकेडमी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल कैपिटल कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? पौंडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या अंडमान निकोबार? तो ये चंडीगढ़ में है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, एलजी और सैमसंग किस देश की मोबाइल कंपनी है? अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया या हांगकांग? तो एलजी हो गई और सैमसंग हो गई, ये दरअसल जो है वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल प्रौद्योगिकी 5th जनरेशन में तकनीकी का प्रयोग हुआ है? बीडीएमए, HSDBA, WCDMA या OFDMA? तो इसका आंसर हो जाएगा BDMA, जो कि 5वीं पीढ़ी में बीम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का प्रयोग किया गया है, बीम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ओके, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। एजेंडा 21 का संबंध किस क्षेत्र से है? सतत विकास, पर्यावरण का संरक्षण, ओजोन परत या ग्रीन हाउस के गैसों की रोकथाम से? तो इसका आंसर हो जाएगा सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक बृहद आकार के प्रिंट आउट निकालने वाला प्रिंटर कौन सा है? प्लॉटर, थर्मल इंजेक्ट या लेजर जेट? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्लॉटर। प्लॉटर जो है वो
सर्वाधिक बृहद आकार के प्रिंटआउट निकालने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल किस देश के पास है? चीन, रूस, अमेरिका या जापान? तो ये जो है वो रूस के पास है। सबसे लंबी जो है वो क्षमता है इसकी 16,000 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1948, 1952, 92, 1954, 94 सॉरी, और 1995। तो इसका आंसर हो जाएगा 1995 में जो है वो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है जिनेवा में, 1995। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर BRD का भंडारण क्षमता पूछी गई है, कितनी होती है? 25 GB, 27 GB, 35 GB या 37 GB? तो इसकी होती है ब्लू रे डिस्क, जिसे हम बोलते हैं ब्लू रे डिस्क, इसकी जो है क्षमता होती है वो 25 GB होती है। डबल लेयर डिस्क की होती है 50। ओके, तो अगर डबल लेयर पूछ लिया है तो याद रख। केन विलियमसन किस देश के क्रिकेटर हैं? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका? तो आसान सा है, न्यूजीलैंड के हैं, कई बार अपने न्यूज में देखा होगा इन्हें। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर माइक टायसन किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, बॉक्सिंग, जूडो या मार्शल आर्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा बॉक्सिंग से संबंधित है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? हार्ड कोर, रेड क्ले, सिंथेटिक या ग्रास कोर? तो याद रखना है आपको, जो फ्रेंच कोर होती है वो रेड क्ले पर खेली जाती है, जो कि लाल बजरी से पर खेली जाती है, याद रखना है, फ्रेंच रेड क्ले। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संगठन न्यूक्लियर वेपन्स व न्यूक्लियर तकनीक से संबंधित नहीं है? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, CTBTO, ICANN या ऑस्ट्रेलिया ग्रुप? तो न्यूक्लियर तकनीक से सप्लाई से संबंधित नहीं है दरअसल, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर तानिया सचदेव किस खेल से संबंधित हैं? शतरंज, फॉर्मूला वन रेस, बिलियर्ड्स या बॉक्सिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा शतरंज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन टेनिस के सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस पुरुष खिलाड़ी ने जीते हैं? राफेल नडाल, रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविक या एंडी मरे? इसका आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर, जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध टेनिस प्लेयर हैं, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर CK नायडू एवं BK नायडू प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, कबड्डी, लॉन टेनिस या क्रिकेट? तो CK नायडू जो है वो एक क्रिकेट से संबंधित है, जिसमें ट्रॉफी दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बोनस लाइन एवं रेड किस खेल से संबंधित हैं? दौड़ने, तैराकी, कबड्डी या बैडमिंटन? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कबड्डी से संबंधित हैं, ये शब्द हैं दरअसल कबड्डी से संबंधित हैं, बोनस लाइन या रेड। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग प्रारंभ कंप्यूटर की किस पीढ़ी में हुआ था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, प्रथम श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तृतीय श्रेणी या चतुर्थी श्रेणी? तो ये चतुर्थ श्रेणी में हुआ था। दरअसल पहली में आपको पता हो तो जो वैक्यूम ट्यूब आते थे उससे हुआ था, ठीक है, ट्रांजिस्टर, उसके बाद फिर IC आए, ओके, फिर उसके बाद जो है वो चतुर्थ में जो है बात की जाए तो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, और पाँचवीं जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जिनेवा, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क में, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष जो है वो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, 152 देश हैं इसके अंतर्गत, याद रखना। नेक्स्ट, यहाँ पर कंप्यूटर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोर्ड कौन सा होता है? CPU बोर्ड, मदर बोर्ड, डैश बोर्ड या मेन बोर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मदर बोर्ड। मदर बोर्ड दरअसल जो है वो कंप्यूटर हार्डवेयर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, ठीक है, और कंप्यूटर का दिमाग पूछा जाए तो CPU होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर KGB किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? रूस, यूक्रेनिया, ब्राज़ील या इजराइल? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रूस की है KGB। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत की ओर से ओलंपिक में भाग ले चुके बलवीर सिंह को इस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या लॉन टेनिस? तो ये हॉकी से संबंधित हैं बलवीर सिंह, हॉकी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर और लास्ट है, हार्ट
हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई निम्नलिखित कौन सी है, सेक्टर, ट्रैक, क्लस्टर या प्लेटर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेक्टर। सेक्टर जो है वो सबसे छोटी जो है वो डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, जिसके अंतर्गत 512 बाइट, ओके, बाइट जो है वो मेमोरी रहती है। तो ये था आज का टेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर जरूर दबाना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।